पहाड़ी खाफल और इसका आनंद लिया जाएगा। अभी ये देख सकते हैं जो मुंबई से आए हैं और फिलहाल ये घूम रहे हैं हमारे साथ। अभी है मेन रोड और यहाँ से अभी हमें जाना है 7 ताल के पास में और वहाँ कुछ नज़ारा देखने को मिल जाता है 7 ताल झील का। और सामने आप देख सकते हैं हमारे गेस्ट भी यहाँ पर घूम रहे हैं, भट्ट की चुड़कानी और यहाँ की लोकल मैगी। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं, मेरे पीछे हैं मेरे क्लाइंट और खूब इंजॉय कर रहे हैं। हेलो यारो, वेलकम बैक टू सती ट्रेवल्स ब्लॉग। दोस्तों आज है दिन शुक्रवार और सुबह के बज चुके हैं 6:30 और मैं निकल रहा हूँ दोस्तों अपने रूम से अपने क्लाइंट को पिकअप करने के लिए होटल मनोहर। दोस्तों मेरे क्लाइंट वहाँ पर मेरा वेट कर रहे हैं और चलना है हमें लेक टूर कैची धाम और नैनीताल का लोकल साइड सीन। तो दोस्तों आज आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए आज का ब्लॉग किस प्रकार होना। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर आउट करें। तो दोस्तों आज आपको मैं दिखाता हूँ लेक टूर और नैनीताल दर्शन दीपक सती के अंदाज में, तो बने रहिए, स्टे ऑन। तो दोस्तों फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ भीमताल लेक के पास और ये मेरा पहला स्पॉट है। मेरे टूरिस्ट गए हैं नीचे भीमताल लेक के पास में, मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ भीमताल लेक के बिल्कुल क्लोज में और यहाँ पर से मैं दिखाऊंगा मेरे क्लाइंट की एक्टिविटी। तो दोस्तों फिलहाल मैं आ चुका हूँ भीमताल लेक के बिल्कुल करीब में और आजकल भीमताल लेक का जो जल स्तर है वो बहुत कम हो चुका है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये रही है ऊपर रोड और यहाँ बिल्कुल मैं लेक के बिल्कुल करीब आ चुका हूँ, जबकि कभी भीमताल लेक में इस प्रकार आना मेरा नहीं हुआ। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति हुई है। ये है यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों फिलहाल कुछ इस प्रकार मैं अभी हूँ भीमताल लेक के बिल्कुल बराबर में और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल लेक के पास में आ चुका हूँ कि यहाँ पर आजकल पानी का जल स्तर बहुत कम हो चुका है। पता नहीं पहाड़ों में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि आज भीमताल लेक को हम इस प्रकार देख रहे हैं, जबकि ये जो जगह है ये पूरी तरीके से पैक रहती है और इसका जो पानी है ये अपर लेवल तक रहता है। आप समझ सकते हैं जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ तक तो इसमें पानी रहता है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कितना डाउन चले गया है ये पानी। तो ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में भीमताल का नज़ारा, कुछ इस प्रकार का खूबसूरत सा नज़ारा भीमताल लेक का आपको देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों आप विजिट करना चाहते हैं अगर भीमताल लेक, जरूर करें। और नैनीताल के साइड सीन में ये एक मेजर स्पॉट है, अगर आप नैनीताल घूमने का विचार बना रहे हैं तो नैनीताल में आप आएँ और सबसे पहला स्पॉट है भीमताल लेक। तो दोस्तों फिलहाल हम आ चुके हैं नल दमयंती ताल के पास में और ये हमारे गेस्ट हैं जो मुंबई से आए हैं और फिलहाल ये घूम रहे हैं हमारे साथ। तो दोस्तों फाइनली अभी हम जा रहे हैं गरुड़ ताल की तरफ, हमारे क्लाइंट हैं और आप देख सकते हैं अभी हम बिल्कुल गरुड़ ताल के करीब में जाएंगे और वहां से आपको दिखाएंगे लेक का पूरा नज़ारा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गरुड़ ताल में और आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्या ब्यूटी है यहाँ की, कुछ इस प्रकार का नज़ारा दोस्तों अभी आपको देखने को मिल जाता है गरुड़ ताल का। तो कभी भी अगर आप गरुड़ ताल आते हैं तो विजिट करें इस लेक को और कुछ इस प्रकार बीचों बीच से आप गरुड़ के आकार से इस लेक को देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का नज़ारा गरुड़ ताल का देखने को मिल जाता है। अभी हम हैं गरुड़ ताल के फर्स्ट एंट्रेंस में और यहाँ से पूरे गरुड़ ताल की ब्यूटी में आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार पानी का लेवल बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन हैं और गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर लोग पहाड़ों के इन झीलों के पास में आकर के बैठ जाते हैं और कुछ इस प्रकार इंजॉय करते हैं। कुछ इस प्रकार यहाँ पर बांस के घने जंगल देखने को आपको मिल जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नैनीताल की ब्यूटी। वॉकिंग करते हैं सुबह। अच्छा आ जाओ, आओ प्रिंस, हाय भी बोलोगे अपने दोस्तों को। तो फाइनली दोस्तों अभी हमारे क्लाइंट आ चुके हैं गरुड़ ताल से बाहर और ये अभी है मेन रोड और यहाँ से अभी हमें जाना है 7 ताल लेक के पास में और वहाँ कुछ खाया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल क्लाइंट ने कर लिया है नाश्ता और अभी हम जा रहे हैं 7 ताल लेक के बिल्कुल क्लोज में और यहाँ के सेल्फी पॉइंट से देखेंगे पूरे 7 ताल का नज़ारा और आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यह है दोस्तों एक अद्भुत पक्षी हम यहाँ पर देख रहे हैं जिसका नाम वुड पैकर है और ये पेड़ों पे छेद बनाता है, ये आप देख सकते हैं
कुछ इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये एक वुड पैकर यहाँ पर मिल गया है हमें। देखा आपने वुड पैकर? देख लिया क्लोथ से? देख लिया? ये देख सकते हैं आप एक्टिविटी। ये पाइन ट्री पे होल कर रहा ना ये पूरा। तो अभी दोस्तों फिलहाल हम आ चुके हैं सातताल लेक के पास में, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल जाता है सातताल झील का। और सामने आप देख सकते हैं हमारे गेस्ट भी यहाँ पे घूम रहे हैं, कुछ इस प्रकार फोटो शूट का आनंद लिया जा रहा है यहाँ सातताल लेक के पास में। कुछ इस प्रकार का नज़ारा आपको घोड़ाखाल मंदिर से नीचे को देखने को मिल जाता है, जहाँ से आपको पूरा भीमताल का नज़ारा मैं अभी आप दिखा रहा हूँ। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं ये पूरा भीमताल का एरिया है। ऊपर वाला एरिया खुटानी बैंड है और नीचे का जितना भी इलाका है वो भीमताल है। और सामने आप देख सकते हैं भीमताल की लेक पे हैं। यहाँ पर रोड का काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से गाड़ी घोड़ाखाल मंदिर तक नहीं जा पा रही है, तो हमने भी गाड़ी यहीं पर लगा रखी है। फिलहाल मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ पूरा नेचर ब्यूटी। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पूरी तरीके से आपको मैं नेचर ब्यूटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार आज नज़ारा देखने को मिल रहा है भीमताल का। और मेरे ठीक नीचे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार पार्टी भी हो रही है। कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से दोस्तों भीमताल का। और मौसम भी कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहा है, हल्की सी ठंडी हवा भी चल रही है, साथ साथ में धूप भी हो रही है। और कुछ इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है घोड़ाखाल मंदिर के पास से। मैं आपको दिखा रहा हूँ भीमताल की पूरी नेचर ब्यूटी। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से एक खूबसूरत सा नज़ारा भीमताल का। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार श्री श्री 1008 गंगनाथ देवता प्राचीन मंदिर भी है, जो कि सन 1867 में बना हुआ है। और ये मुझे लगता है ये जो मंदिर है दोस्तों, ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं इनके द्वारा ही बनाया गया होगा, क्योंकि सैम देवता, एड़ी देवता, गोलू देवता, माँ भगवती और शिव मंदिर यहाँ पर, मतलब आप ये समझ लीजिए कि पांचों के पांचों मंदिर यहाँ पर हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी इस मंदिर के बाहर से हूँ, और आज तो मेरा जाना यहाँ पर नहीं हो पाएगा, लेकिन ज़रूर से आज मैंने इस मंदिर को दूसरी तरह से एक्सप्लोर कर रखा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं इस मंदिर में ज़रूर एक बार जाऊँ और आपको विजिट कराऊँगा एक नई वीडियो के माध्यम से। और कुछ इस प्रकार यहाँ से भीमताल लेक का नज़ारा देखने को मिल जाता है। सामने पहाड़ों में आजकल धुंध लगी हुई है दोस्तों, और फिर भी जितना हो सकता है मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी तरीके से नेचर ब्यूटी दिखा सकूँ। और फिलहाल आप देख सकते हैं सती ट्रैवल्स के माध्यम से दीपक आपको दिखा रहा है आज एक नए ब्लॉग में भीमताल का नज़ारा। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ गंगनाथ जी के मंदिर में, और भगवान गंगनाथ जो हैं वो हमारे कुल देवताओं में ही आते हैं। और अभी मैं जिस मंदिर में हूँ यहाँ का मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा हूँ। फिलहाल आप बने रहिए, देखते रहिए मुझे मैं किस प्रकार से भगवान के आपको एक एक करके दर्शन करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये भी एक मंदिर है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का नज़ारा इस मंदिर का अभी देखने को मिल जाता है। और बहुत छाँव है यहाँ पर, बहुत ठंडा है मौसम। और यहाँ पर दोस्तों आप साक्षात देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार यहाँ पर आपको घंटियाँ टंगी हुई दिख रही हैं। ये सभी लोगों की मनोकामना पूर्ति की एक सिंबल है, आप इसको सिंबल समझ सकते हैं कि ये सबूत होता है कि अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है उसके बाद इस मंदिर में घंटी चढ़ाई जाती है। और ये गाँव का लोकल मंदिर होता है दोस्तों। और ये है यहाँ का हवन कुंड, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और बोला जाता है कि गंगनाथ भगवान भी उसी को बुलाते हैं जिसको वो देखते हैं कि हाँ इसको सख्त ज़रूरत है मेरी, और उसी को गंगनाथ भगवान भी अपने मंदिर में बुलाते हैं। तो आज मैं दोस्तों गंगनाथ भगवान से मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। और गंगनाथ भी हमारे देवता हैं, जैसे हमारे गोलू देवता हैं वैसे गंगनाथ भी हमारे देवता हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार भगवान शिव का यहाँ पर रूप आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप कहीं दूर से देख रहे हैं तो भगवान शिव को प्रणाम कर सकते हैं और भगवान शिव से अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। यही माता के दर्शन आपको हो जाते हैं। ये माँ भगवती है, और माँ भगवती के दर्शन आपको, देखो मैं बाहर से करवा रहा हूँ दोस्तों, माँ भगवती का वास है यहाँ पर, और माँ भगवती आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे। ये हैं दोस्तों साक्षात बजरंगबली। और आज मैं इस मंदिर में आया तो
बहुत सारे जो हमारे देवी देवता हैं इनसे मिलने का मुझे आज फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ और कुछ इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर एक महाराज जी रहते हैं, अभी मैं उनसे मिल तो नहीं पाया हूँ पूरी तरीके से, लेकिन जो महाराज जी यहाँ पर बैठे थे उनसे मेरी थोड़ा बहुत बातचीत हुई, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जाते जाते मैं उनसे आपकी बातचीत ज़रूर कराऊँ। धाम की लाइव ब्यूटी और टेलीकास्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर ट्रैफिक हो रहा है और कितना यहाँ पर आज आवाजाही चल रही है। तो अगर आप देख रहे हैं कैची धाम मेरे चैनल के माध्यम से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर आउट भी कीजिएगा, क्योंकि ये है बाबा का सबसे चमत्कारिक और अद्भुत धाम जिसके लाइव दर्शन मैं आपको अभी करा रहा हूँ। और आज है दिन शुक्रवार और आज मेरे क्लाइंट कैची धाम मंदिर में विजिट करने गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, कुछ इस प्रकार यहाँ पर मौसम होता हुआ कुछ इस प्रकार का नज़ारा कैची धाम का भी देखने को मिल जाता है। बहुत खूबसूरत नज़ारा। बाबा नीब करोरी महाराज आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें और आप सभी को अपने मंदिर में बुलाने के लिए वो आपको आशीर्वाद दें, ताकि आप भी उनके धाम में आ करके उनके दिव्य दर्शन कर सकें। तो दोस्तों ये है कैची धाम और क्लाइंट अभी मेरे कैची धाम गए हैं और कैची धाम के दर्शन करने के बाद मुझे जाना है नैनीताल। फिलहाल आप बने रहें, देखते रहें सती ट्रेवल्स के अंदाज में। नीचे को अपने से थोड़ा बनाऊंगा भैया, इतने बचे हैं। कहाँ से लेके आए इनको? लमगड़ा। लमगड़ा से। ये है दोस्तों काफल, पहाड़ी काफल और इसका आनंद लिया जाएगा अभी। ये देख सकते हैं आप, अभी पहाड़ में बिकने के लिए आ गया है सर। अच्छा अच्छा, घर वाले भगा रहा है। अरे हाँ, पुलिस वाले भगा रहे होंगे। सरिता ताल लेक के पास में और यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ का लोकल डिश भट की चुड़कानी और यहाँ की लोकल मैगी। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे हैं मेरे क्लाइंट और खूब इंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं नैनीताल आने का तो ज़रूर आएँ, विजिट करें, कुछ इस प्रकार मौसम का आनंद लें। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का नज़ारा आज नैनीताल में देखने को मिल जाता है। माल रोड के दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ साक्षात और कुछ इस प्रकार की चहल पहल यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का नज़ारा अभी नैनीताल की माल रोड का देखने को मिल जाता है और फिलहाल शाम के बज चुके हैं 6 और मैं अभी आपको लाइव दिखा रहा हूँ माल रोड नैनीताल से। और अभी आप देखते रहिए, बने रहिए। तो दोस्तों ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर आउट करें। दोस्तों मैं आपको हर एक दिन नई से नई जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नई रोचक जानकारी लेकर, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें सती ट्रैवल्स। बाय बाय, टाटा।